श्री बागेश्वरी माता नेपाली मंदिर समिति एवं हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के संयुक्त आयोजन में मंदिर सत्संग भवन का शिलान्यास गत दिन 16 फरवरी 2021 के दिन मंगलवार को बलजीत नगर दिल्ली में भव्य रूप से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आदेश गुप्ता, भूमिराज भंडारी, संदीप राणा, युवराज बराल, चिरंजीवी मरासिनी, दुर्गा अरियाल, संतोष कुमार आदि सम्मिलित रहे। साथ ही मंदिर की स्थापना दिवस होने के अवसर पर मंदिर में हवन पूजन कीर्तन बहुत ही भक्तिमय रूप से किया गया। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय छोटेलाल पुन ने 1976 में किया था। इस मंदिर के अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठ ने बताया कि इस मंदिर को बचाने के लिए बहुत लोगों का संघर्ष रहा है, जिसमें हाम्रो स्वाभिमान के महामंत्री प्रेम छेत्री भी शामिल रहे। सत्संग भवन बनाने का निर्णय आज से 2 साल पहले लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मंदिर कार्य स्थगित रहा। जब हमने इस विषय में हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के महामंत्री प्रेम छेत्री से बात की तो उन्होंने तुरंत सत्संग भवन निर्माण में सहयोग करने का आश्वासन दिया और आज मंदिर के स्थापना दिवस और महान पर्व बसंत पंचमी के दिन शिलान्यास हो रहा है। इस महान पुण्य कार्य में वीरेंद्र प्रसाद, राम लड़ाईटे, मोहन गिरी, शेर सिंह भंडारी, रूप कुमार पुन आदि ने सहयोग किया है। हाम्रो स्वाभिमान की राष्ट्रीय संयोजिका अनीता छेत्री ने कहा कि हमारी धार्मिक संस्कृति की रक्षा सदैव हमारा बड़ा कर्तव्य रहा है, जिसमें श्री बागेश्वरी माता नेपाली मंदिर निर्माण कार्य हम सभी के लिए एक बड़ा कार्य है। आज के महान पुण्य कार्यक्रम में नेपाली समाज के गणमान्य पदाधिकारी गण, वरिष्ठ समाज सेवियों की उपस्थिति रही। इसमें श्री बागेश्वरी माता नेपाली मंदिर के टेक थापा संजय पुन, पूजा पुन, हाम्रो स्वाभिमान की महिला अध्यक्ष श्रीमती अनिला ग्वाली जी, महामंत्री मीना पांडे, कमला पोखरेल आदि शामिल रहे। भजन कीर्तन को आनंद लीनो न मान कर जो भित्रान आसन धारण कर लो हम भी आप के लिए आवेदन करें। हमने भजन आप सभी अंदर आए और भजन के आनंद ले। मां बागेश्वर लक्ष्मी सरो जस्तिताम घंटा सुलहला निशंख मुसरे हस्ता जय ददति हर हर एक छिन्न छोड़ी संसार श्री माता जी के आंचल में हम सब लोग छाया पाते हैं और मैं भी बागेश्वरी माता जी के आंचल में छाया लेने वाला एक उनका भक्त हूँ, उनका बेटा हूँ। ये नेपाली मंदिर हमारे इस बलजीत नगर क्षेत्र में बहुत प्राचीन मंदिर है और माता के आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। जब हम चुनाव में आए थे तब भी माता रानी से हमने आशीर्वाद लिया था और उन्होंने पूरा आशीर्वाद हमें दिया था। पूरे इस क्षेत्र में जब हम माता रानी के चरणों में आते हैं, इस मंदिर में आते हैं, तो एक ऊर्जा का अनुभव और आभास होता है। और आज जब बसंतोत्सव है, बसंत पंचमी का दिन है, श्री पंचमी का दिन है, तो आज इस प्रांगण में भवन निर्माण का भूमि पूजन हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये भूमि पूजन जो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है, एक यहाँ भव्य माता रानी का मंदिर बनेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग मंदिर से जुड़े हैं और आगे जुड़े भी रहेंगे और पूरे हम नेपाली समाज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बागेश्वरी माता नेपाली मंदिर समिति को भी इस काम के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अंत में मैं बसंतोत्सव और वसंत पंचमी श्री पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मंदिर का जहां तक है, मैं उस महापुरुष को नमन करना चाहता हूं। आज के दिन उन्होंने एक सपना देखा मंदिर का और आज वो सपना साकार हुआ है। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि हमारे जो हमारे बड़े अच्छी नींव डालते हैं
अच्छे काम करते हैं तो बच्चे उसके पीछे चलते हैं, और वही सपना आज मैं देखता हूँ। हमारे महिलाएं हैं, हमारे बच्चे, हमारे कम्युनिटी के लोग आज इस पवन दिन जिसमें हम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आज शामिल हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे समाज के लोग हैं, और आज ये बहुत ही मैं सभी लोगों को मैंने मुबारकबाद दी है कि हम इस तरह के काम को करें। और क्योंकि हम रोज़गार करना, परिवार को परवरिश करना, ये तो एक नित्य का काम है। उसमें से अगर दिन में, महीने में हम लोग 2-4 घंटे भी निकालते हैं तो हम अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को, और आवश्यक पड़ने पर दूसरे लोगों को हम एक प्रेरणा दे सकते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी पहचान को बनाए रख सकें और हमसे ये ना पूछें कि आपने जीवन में क्या किया है। ये हम सत्संग भवन बनाने चाहते हैं, नीचे सत्संग बेस, और ऊपर जाके हम एक पुजारी के लिए कमरा बनाने चाहते हैं, मगर मंदिर में कोई कोष नहीं है। हमें सारे प्रवास में हुए नेपाली संघ संस्था से, मंदिर है, खुला दरबार है, कोई भी दान दे सकता है, उनके लिए खुली छूट है, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, जो देने चाहे आगे दे सकते हैं। सबका सहयोग से बनाने चाहते हैं, कोई भी संघ संस्था, हम सब मिल के, हम सारे प्रदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश में बैठने के बाद भी हमें एक माता का सेवा करने का मौका मिल जाए बोल के हम सब एक होके एक बनाते हैं बोल के, हमारे भगवान के चरण में हमारे भी कुछ नेक लग जाए बोल के इसलिए लग रहे, लेकिन हम सबके संघ संस्था के सहयोग से इसको हम जरूर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, उनको उम्मीद करता हूँ। क्या इसमें पतंजलि योगपीठ का कुछ योगदान रहेगा? हाँ, या सिर्फ समाज के लोगों का योगदान रहेगा? इस पे आज तक हमारा हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट, मैं नेपाली में बोलूँ हिंदी में बोलूँ इजी रहेगा मेरे को, हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट ने हमारे को शुरू से सहयोग करते आए हैं। ये मंदिर बनते टाइम भी हमारे को लगभग 50-51 हज़ार की समथिंग कुलतान मन धन पूरे सहयोग करते आए थे। उसके बाद हमें अभी भी उम्मीद, हमरो स्वाभिमान के पास गए, प्रेम कुमार छेत्री जी हैं, उनसे हमारा मुलाकात हुआ तो उन हमने बोला भैया ऐसे ऐसे बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसे तो नहीं है, कैसे करें, बड़े संकट में हमारे ये धूप दीप चलाने भी मुश्किल है। तो उनने बोले कर लेते हैं, अरे बतेरे दान दाती हैं, तुम कोशिश करो, माता डरने वाले माता रानी है। तो इस तरीके से हमने कहा ठीक है, तन मंदिर तू आगे बढ़, हम पीछे से साथ देंगे, तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं।